तो क्या आप भी इस बात को लेकर कंफ्यूज हो कि नौकरी करें या बिजनेस करें? किस उम्र में जाकर हम बिजनेस करें? नौकरी कर 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 अगर आप थक चुके हो और आप अपनी प्रतिभाओं को बिजनेस में लेकर आना चाहते हो, अपने जीवन में कुछ सक्सेस चाहते हो, तो बिजनेस करना चाहते हो, तो किस उम्र में आपको बिजनेस करना चाहिए? और ऐसे कौन से वो लोग हैं जिनको बिजनेस भूल के भी नहीं करना चाहिए? आज मैं आपको इसकी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि काम के जो भी सिलसिले हैं, उसके काम धंधा है, काम काज है, उसमें वो तरक्की करे। कई बार क्या होता है, व्यक्ति काम तो कर रहा होता है पर वो अपने दिल से काम नहीं कर रहा होता है, यानी कि उसका दिल उस काम को किसी मजबूरी के तहत वो व्यक्ति कर रहा होता है, दिल उसका लगता ही नहीं उस काम में। वो चाहता है कुछ और करना पर उसको परिस्थितियाँ कुछ और करा रही होती हैं। नौकरी में काम कर रहा होता है पर उसका दिमाग इतना तेज होता है कि जो मालिक है उसी को बेच खाए, पर कंडीशंस ऐसी होती हैं कि ना उसके पास पैसा होता है कोई बिजनेस सेट करने का, ना ही उसके पास वो रिसोर्सेज होते हैं। नौकरी वो मजबूरी के तहत कहीं ना कहीं कर रहा होता है ताकि उसका गुजर बसर होता रहे। अब दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो कि मान लीजिए परिवार में किसी का बिजनेस है, तो बच्चा बड़ा होते ही बिजनेस में आ जाता है, और ये कंडीशन होती है कि सब कुछ उसको पका पकाया मिल गया कि हाँ बिजनेस में बेटा तुम डायरेक्ट आ जाओ, यहाँ पर हाथ बटाना शुरू कर दो और धीरे धीरे कामकाज को सीखो। ये दूसरा तरीका होगा। तीसरा तरीका वो होता है जो कई लोग ऐसे होते हैं कि पहले तो वो नौकरी करते हैं, उसके बाद वो आ जाते हैं बिजनेस में और कुछ इन्वेस्टमेंट करके या अपना छोटा मोटा कुछ भी जो उनके पास पैसा वगैरह होता है वो लगा कर अपने बिजनेस को सेट कर लेते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने शुरू से ही बिजनेस को सेट किया पर एक समय ऐसा आया कि बिजनेस भी सब बेकार हो गया, बाद में वो नौकरी पर आ गए। तो कंडीशंस बहुत सारी हैं जो कंडीशंस व्यक्ति को यही दर्शाती हैं कि हो सकता है कि उस व्यक्ति ने गलत समय में ये डिसीजन ले लिया कि उसको उस समय पे बिजनेस करना ही नहीं था, उसको सिर्फ नौकरी करनी चाहिए थी या कुछ समय को निकालना चाहिए था। अब वो एक्चुअल समय क्या होता है, अगर सबसे पहली एक बात ध्यान रखिए, अगर आपकी कुंडली में सूर्य और बुध का योग है, सूर्य और बुध कहीं पर भी पूरी कुंडली में कहीं पर भी सूर्य बुध एक साथ बैठे हुए हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको 34 वर्ष यानी कि 34 ईयर्स तक आपको कहीं पर भी किसी के पास नौकरी काम धंधा कुछ इस तरह से कर लीजिए ताकि थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लें और वो जो समय है वो समय भी आपका पास हो जाए। 34 वर्ष के बाद अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे किसी भी रूप में, चाहे छोटा सा ही कर लीजिए, देखिए आपका बिजनेस किस तरह से तरक्कियों पर चलेगा। अब कई लोग यहीं पर गलती कर बैठते हैं कि मान लीजिए कुछ पैसा हाथ में आया वो नौकरी छोड़कर, ये सूर्य बुध के योग वाले, देखिए सूर्य बुध के योग वाले सीधी से एक बात समझिए कि सूर्य बुध आपकी कुंडली में योग है तो आप पैदा ही हुए हो बिजनेसमैन बनकर। अब वो बिजनेसमैन बनने के लिए थोड़ा सा संयम और थोड़ा सा समय को परखना पड़ता है। अगर आप कोई जल्दबाजी करोगे तो आपको ही नुकसान हो जाएगा। वही सूर्य बुध जो आपको बहुत कुछ देना चाहता था अब वो कुछ नहीं दे पाएगा। अब दूसरी तरफ वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ नौकरी में रहें, इनको किसी भी तरह से बिजनेस वगैरह में नहीं आना है। पहला रूल है, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति 6th हाउस में है यानी कि छठे भाव में है, तब ऐसे लोगों को बिजनेस से थोड़ा सा बचकर रहना चाहिए। अगर ये नौकरी करेंगे तो बहुत अच्छी चलेगी, नौकरी में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। हाँ एक चीज़ की परेशानी ज़रूर आएगी कि ये जो 6th हाउस वाले लोग होते हैं इन पे कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन की भावना रहती है, संतुष्टि नहीं हो पाती है कोई भी काम करें। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि आपको अगर नौकरी मिली हुई है, एक अच्छी खासी नौकरी मिली हुई है, तो आपको वो छोड़नी नहीं है किसी फ्रस्ट्रेशन की भावना से, किसी टेस्टलेसनेस की भावना से कि हाँ उसमें तो मज़ा ही नहीं आ रहा है, ये नौकरी छोड़ दो। सरकारी नौकरियां तक लोगों ने छोड़ी हैं, जिन नौकरियों के पीछे पढ़े पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो तक जाके चपरासी वगैरह इस तरह की नौकरियों को भरते हैं, और कई बार तो ये छठे भाव वाले बृहस्पति वाले लोग अपनी एक अच्छी खासी नौकरी को छोड़कर बिजनेस में आ जाते हैं और बिजनेस भी नहीं चलता है क्योंकि इनके जीवन में इस तरह की चीज़ें हैं। तो अपने मेंटल लेवल को थोड़ा सा संभाल कर रखिए। अब तीसरा योग जो कि बुध से संबंधित है, अगर आपकी कुंडली में बुध तीसरे भाव में है,
आठवें भाव में है या ग्यारहवें भाव में है। तब इस चीज़ का ध्यान रखिए, एक तो सूर्य और बुध की मैंने आपको कंडीशन बताई, बृहस्पति की कंडीशन बताई, अब बुध अकेले की कंडीशन है। अगर बुध आपकी कुंडली में तीसरे, आठवें या ग्यारहवें भाव में है, तब इस केस में भी आपको थोड़ा सा एक बड़ी इन्वेस्टमेंट से बचना है, और वो वर्ष का जो समय होता है वो होता है 34 वर्ष। अगर आप 34 वर्ष तक किसी भी तरीके से अपने समय को निकाल लें, किसी के पास काम करना शुरू कर दें, कोई कमीशन बेस का काम करना शुरू कर दें, इन्वेस्टमेंट ना करके अगर कोई काम करें तो आपका काम बहुत अच्छा चलेगा, किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, यहीं पर ही थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट हो जाती है, अगर यही व्यक्ति कोई इन्वेस्टमेंट करके भारी पैसा लगाकर अपना बिजनेस को सेटअप कर लेता है, तब ऐसे लोगों के बिजनेस में बहुत बड़े बड़े नुकसान होते हैं। और बड़े बड़े नुकसान वाले लोग तो बृहस्पति आठ वाले भी होते हैं, जिनकी कुंडली में बृहस्पति आठवें घर में है। ऐसे लोग अक्सर, ज़रूरी नहीं कि सभी लोगों को ऐसी परेशानी आएगी, क्योंकि और भी कंडीशंस होती हैं जो कुछ टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, पर यहाँ पर एक सिम्टम्स और एक लक्षण के तहत मैं आपको बता रहा हूँ कि बृहस्पति आठवें घर में है तो बिजनेसमैन या कारोबार या कामकाज या सेहत में कहीं ना कहीं अप एंड डाउन लेकर आएगा। और ये कारोबारी व्यक्ति जो होते हैं उनके जीवन में अप एंड डाउन बहुत ही मुश्किल भरा दौर होता है, क्योंकि पैसा भी मार्केट से निकालना है, पैसा भी लगाना है, माल भी लाना है, बहुत सी चीज़ें हैं जिनको मैनेज करना होता है। अगर ये रोटेशन कहीं पर भी ख़राब हो तो व्यक्ति कहीं ना कहीं सड़क पर आ जाता है। अब हम सूर्य बुध को अगर आपकी कुंडली में है और आप कोई काम कर रहे हो तो इस तरह से हम इसे शुभ कैसे करें। शुभ करने के लिए सिंपल एक तरीका है, वो तरीका होता है इस तरह से तांबे के लोटे का उपाय। ये तांबे का लोटा, इस तरह से तांबे का लोटा आपको लेना है, कोई भी साइज़ का आप ले लीजिए। यहाँ पर जो मेरे पास लोटा है ये कलई का टांका लगा हुआ है, आपको दिखा रहा हूँ कलई का टांका कैसा होता है, आप देखिए। इस तरह से कलई का टांका होता है, ये आपको साइड में जो चमकीला सा पदार्थ दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं कलई। और इस तरह से ये तांबे का लोटा, तांबे के लोटे में आपने साबुत मूंग भरनी है, जो ग्रीन वाली इस तरह से फोटो में देखिए कि साबुत मूंग जो होती है, इस तरह से भर के आप कम से कम वर्ष में एक बार अपने जन्मदिन पर मंदिर में जाके अपने जीवन में खुशहाली की प्रार्थना करते हुए चढ़ा दिया करें। ढक्कन रखिए, ज़रूरी नहीं कि सील कराना है, ढक्कन रखिए और इस तरह से आप मंदिर में चढ़ा दीजिए। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। व्यापार कारोबार के लिए बुध की ही इम्पोर्टेंस मानी जाती है, बुध यानी कि मरकरी। अब बुध को हमें स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे, सूर्य की मदद देके। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में बुध पहले घर में है, चौथे घर में है, पाँचवें घर में है, ग्यारहवें घर में है या फिर बारहवें घर में है, ये कुछ भाव हो गए जहाँ पर बुध थोड़ी सी नेगेटिविटी ले लेता है, एक नकारात्मक हिस्सा जीवन में वो हमेशा धीरे धीरे डालता है, और उस समय पे डालता है जब दिमाग की सच में ज़रूरत होती है, आपके डिसीजंस को अच्छा होने की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए इस तरह से तांबे का एक छेद वाला पैसा आपको गले में कोई सोने की चेन या आप धागा वगैरह, जैसे लाल धागा या सफ़ेद धागा, इस तरह से आप उसमें डालिए। इस तरह से ये तांबे का छेद वाला पैसा होता है, ये पहले समय में चला करते थे और इनको हुक लगवाया गया है, चाहे तो आप हुक लगवा के भी डाल सकते हैं, पहनने में थोड़ी आसानी हो जाती है, या फिर आप नॉर्मल भी पहन सकते हैं। आप इस पे देखिए कि इस तरह से लिखा होगा 1943, ठीक है, पैसे ऑफ इंडिया, ये इंडिया का पैसे या पाइस कुछ भी इस तरह से प्रोनाउंसिएशन जो आती थी उस समय पर, जो भी है, और इस तरह से ये सिक्का होगा, और इस तरह से आप इसको हुक लगवा के आप अपने गले में ज़रूर पहनिए, और ये आपको बुध की जो मदद है, जो सही मदद है, वो आपके जीवन में दिलाएगा। और यहाँ पर इसका इम्पोर्टेंस ये होता है कि तांबा है सूर्य, और जो गुलाई है और जो छेद है ये है बुध, और जब सूर्य बुध आपस में मिलते हैं तभी वो एक्चुअल में एक पॉजिटिव मंगल को बनाते हैं। पॉजिटिव मंगल होता है आपके जीवन में हर तरह की खुशियाँ। मंगल खराब होगा तो खुशियाँ आएंगी नहीं, खुशियाँ मनाओगे तो नज़र लगेगी, दूसरों की हाय या फिर बुरी नज़र आपके हर काम पे लगेगी, हर एक जीवन में अच्छे काम
बिगड़ते होंगे। अगर आप अपने आप से लाल किताब के उपाय करना चाहते हो तो आ गई है मेरे द्वारा लिखी हुई नई लाल किताब, जो कि बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में है। और ये लाल किताब बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के लिए मैंने लिखी है, ताकि आप लोग इसे पढ़कर अपने उपाय खुद कर सकें और जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह क्या असर जीवन में लेकर आते हैं, उनके बुरे असर को कैसे दूर किया जाए, ये किताबें अब आपकी मदद करेंगी। ये पहला भाग है, ऐसे 5 भाग कुल मिलाकर आएंगे, जिसमें ये पहला भाग बेसिक होगा, यानी कि Part 1, Part 2, Part 3, Part 4, ऐसे Part 5 तक आपको पूरी की पूरी संपूर्ण लाल किताब की जानकारी इन भागों में मिल जाएगी। ये किताब हिंदी में होगी और सरल भाषा में होगी। देखिए, इस तरह से इस किताब में संपूर्ण जानकारी, उपाय इत्यादि, योग, सब चीज़ें इस किताब में दी गई हैं। फिलहाल ये किताब पहली जो आपका पहला कदम होगी इस ज्ञान की तरफ, आप अपने जीवन में अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, किसी की भी कुंडली को देखकर अध्ययन करके उन्हें उपाय बता सकते हो, और ये उपाय बताने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी। तो दोस्तों, इन जानकारियों को अपने जीवन में बिठाओ और कोई भी बड़ी परेशानी से बच जाओ। यही है लाल किताब का एक उद्देश्य, कि जनमानस का कल्याण हो और आपके जीवन में आए खुशहालियाँ। तो दोस्तों, मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।